देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच जहां केरल और महाराष्ट्र में संक्रमण के फैलने से हाहाकार मचा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 34 में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं मिला है। पिछले दिनों कोविड टेस्टिंग में 65 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया केस नहीं मिला है। वर्तमान में 184 कोरोना संक्रमितों का उपचार हो रहा है। औसतन हर दिन 2.25 लाख से 2.5 लाख तक टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिव दर 0.01% से आधी हो गई है और रिकवरी दर 98.7% है। प्रदेश में योगी सरकार की सतर्कता का असर है कि जहां देश के अन्य राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण की स्थिति में है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अब तक 7,47,13,276 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,17,869 सैंपल टेस्टिंग में 14 नए मरीजों की पुष्टि हुई। मात्र 10 जनपदों में ही नए मरीज मिले। इसी अवधि में 19 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में अब तक 16,86,468 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के 34 जनपदों अलीगढ़, अमरोहा, अयोध्या, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बस्ती, बहराइच, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, कासगंज, ललितपुर, महोबा, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र में कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। ये जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। वहीं भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कोविड टीकाकरण के लिए उत्तर प्रदेश की 48% आबादी ने कोविड टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। पहली खुराक लेने वालों की संख्या 7,20,00,000 से अधिक हो गई है। विगत दिवस 14,88,000 से अधिक लोगों ने टीका लगवाया है। इसी प्रकार प्रदेश में कुल कोविड वैक्सीनेशन 8,62,00,000 से अधिक हो गया है। यह किसी एक राज्य में सर्वाधिक टीकाकरण है।